TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन जैसी एक से बढ़कर एक दिग्गज 100 से ज्यादा कंपनियों वाला टाटा ग्रुप अब नए बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी और नायका से सीधी टक्कर। दरअसल टाटा ग्रुप ब्यूटी और पर्सनल केयर बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की देश भर में 20 ब्यूटी टेक स्टोर खोलने की योजना है। इसके लिए टाटा ग्रुप विदेशी ब्रांड से बातचीत कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि टाटा ग्रुप आखिर किन विदेशी कंपनियों से संपर्क में है। खबरों की माने तो टाटा द ऑनेस्ट कंपनी, एलिस ब्रुकलिन और गैलिनी जैसी विदेशी कंपनियों से हाथ मिला सकती है। टाटा की 2 दर्जन से अधिक कंपनियों से बातचीत चल रही है जो उसके स्टोर्स के लिए खास प्रोडक्ट सप्लाई करेंगी। क्या खास होगा टाटा कॉस्मेटिक्स में? टाटा के स्टोर्स में वर्चुअल मेकअप और डिजिटल स्किन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके आधार पर ग्राहकों को प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑफर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्राहक वर्चुअली लिपस्टिक का शेड खुद पर ट्राई कर सकेगा ताकि वो देख सके कि उस पर ये कलर सूट कर रहा है या नहीं। टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहक को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटी स्टोर्स में 70% प्रोडक्ट्स स्किन केयर और मेकअप के होंगे। वहीं इस सेक्टर में घुसने के साथ ही टाटा का सीधा मुकाबला LVMH के ब्रांड सेफोरा, घरेलू कंपनी नायका और मुकेश अंबानी से होगा। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी देश में 400 से ज्यादा ब्यूटी स्टोर खोलने की योजना है। ऐसा माना जा रहा है कि रिलायंस का पहला स्टोर अगले महीने मुंबई में खोला जा सकता है। अब ये समझिए कि टाटा ग्रुप इस सेक्टर में आना क्यों चाह रहा है। टाटा की नज़र 18 से 45 साल की युवाओं पर है जो एसटी लोडर के मैक और बोमी ब्राउन जैसे महंगे ब्रांड्स को खरीदते हैं। देश में ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट $16 अरब का है जो और भी तेजी से बढ़ रहा है। अगले साल तक उम्मीद की जा रही है कि ये सेक्टर 7% के एवरेज से बढ़ सकता है। आपको बता दें कि टाटा ने हाल ही में ब्यूटी शॉपिंग ऐप टाटा क्लिक पैलेट लॉन्च किया था। कंपनी का जारा और स्टारबक्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी जॉइंट वेंचर है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।